Object-oriented programming with C++. So the next topic is static and dynamic binding and message passing. So what is binding? Binding means the process of converting the identifiers. Identifiers are like variables. हमने किसी प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल int a is equal to 10. A is the variable, right? यहाँ पर बाइंडिंग का मतलब है जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसका एड्रेस के साथ कनेक्ट करना, या फिर हम कहें बाइंड करना, राइट? सो दैट कि हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उसका जो भी वैल्यू है अगर हमें चेंज करनी है या फिर एक्सेस करनी है तो वो हम कर सकते हैं. वो कब होती है? जब हम बाइंड करते हैं, राइट? और क्या होता है बाइंडिंग में? फंक्शंस मैचिंग द कॉल विद द राइट फंक्शन डिफाइंड बाय द कंपाइलर. मीन्स अगर हमने कोई फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, प्रोग्राम में कहीं पर भी फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल हम धीरे धीरे भी समझेंगे. अगर थोड़ी सी भी आपने प्रोग्रामिंग कभी की है तो आप समझेंगे कि एक फंक्शन है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमें मार्क्स एक्सेस करने हैं, उसके लिए हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और कॉल हमने कहीं और किया है प्रोग्राम में. तो जब हम कॉल करेंगे तो वो फंक्शन कहाँ आना चाहिए? जहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया है कि एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है, उस फंक्शन को करना क्या है, ठीक है. तो वो बाइंडिंग कब होती है, मतलब वो जो डेफिनेशन एक्सेस होती है वो कब होती है? बाइंडिंग के टाइम पर, ठीक है. तो यहाँ पर दो टाइप की बाइंडिंग हो सकती है, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग. जो बाय डिफॉल्ट बाइंडिंग होती है सी प्लस प्लस में वो होती है स्टैटिक बाइंडिंग. मीन्स आप प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम में फंक्शंस लिख रहे हैं या फिर कोई भी कोडिंग कर रहे हैं वो सब बाय डिफॉल्ट स्टैटिक बाइंडिंग होगी, मतलब सब कुछ कंपाइल टाइम पर. बट अगर आप चाहते हैं कि रन टाइम या फिर आप जब रन कर रहे हैं तो उनके डेफिनेशन चेंज हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा कि आप रन टाइम पर डिसाइड करें कि एक्चुअल में करना क्या है, तो वो होती है डायनेमिक बाइंडिंग. उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं बट उसके लिए एक अलग मेथड आपको यूज करना पड़ेगा. पर बाय डिफॉल्ट जो है सी प्लस स्टैटिक बाइंडिंग को सपोर्ट करती है. ओके, सो होती क्या है स्टैटिक बाइंडिंग? कंपाइल टाइम बाइंडिंग, मतलब जो भी अभी मैंने ऊपर बताया कि वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, फंक्शंस को कॉल किया है, उसकी डेफिनेशन कर ली है, तो वो कंपाइल टाइम पर होती है, राइट? कि बिफोर आप रन करें, उससे पहले जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो वो सारी बाइंडिंग कंपाइल टाइम पर होगी. डायनेमिक बाइंडिंग के केस में क्या होता है? रन टाइम पर बाइंडिंग होती है, ठीक है. ये जो ऊपर मैंने बताया कि वेरिएबल्स की डेफिनेशन या फिर फंक्शंस की डेफिनेशन को एक्सेस करना, वो रन टाइम पर होगी. और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती तो इसके लिए हम एक अलग से एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल, राइट? अब ये प्रोग्रामिंग में कैसे होगा ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. ओके, सो स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है कि फंक्शन कॉल्स और फंक्शन डेफिनेशन कंपाइल टाइम पर होती है, सेम थिंग जो मैंने ऊपर बोली, ठीक है. बट डायनेमिक में क्या होगा कि रन टाइम पर होगा, सेम थिंग. Next is all the information to perform function call should be available during the compile time for static binding. मतलब क्या है कि compile time पर ये सब कुछ bind होने वाला है कि function call में कहाँ definition है, उनको connect करना वो कहाँ पर होने वाला है? compile time पर. तो इसका मतलब जितनी भी information function से related वो आपको compile time से पहले ready रखनी है, ठीक है. क्योंकि compile time पर ये सब connect होने वाले हैं. अगर आपने define ही नहीं किया किसी function को तो ऑब्वियसली वो रन नहीं करेगा प्रोग्राम, राइट? बट ये चीज डायनेमिक बाइंडिंग में जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं आप फंक्शन कॉल जो है अगर आपने वर्चुअल डिफाइन कर दिया तो आप रन टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, राइट? और ये कैसे होता है ये हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, राइट? सो द स्टैटिक बाइंडिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग सिंपल फंक्शन कॉल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. स्टैटिक बाइंडिंग कैसे परफॉर्म होती है? सिंपल फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज़ें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू. ओके, सो नेक्स्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग कैन बी परफॉर्म बाय वर्चुअल फंक्शन. यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड यूज होगा सिंपल फंक्शन या फिर इस तरह के कोई भी फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होंगे. यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज होता है वर्चुअल, और अगर हम उसको वर्चुअल के थ्रू एक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल फंक्शन, राइट? ओके, नेक्स्ट इज द फास्टर एग्जीक्यूशन एज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट द कंपाइल टाइम. स्टैटिक बाइंडिंग में जैसे हमने कहा कि कंपाइल करने से पहले सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए कि हम उसे बाइंड कर सके बाद में, ठीक है.
जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आप कंपाइल कर रहे हैं और फाइनली फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है, जस्ट उनको कनेक्ट करना है, राइट। बट डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन आप पहले से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, आप रन टाइम पर डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में होना क्या, राइट। तो इससे क्या होगा, स्लो हो सकती है एग्जीक्यूशन। सी, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप एक दिन में बना रहे हैं, 2 दिन में बना रहे हैं, डजेंट मैटर, बट फाइनली जो एग्जीक्यूशन है कि आपका सिस्टम कितने टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहा है आपका सिस्टम और फाइनली आप एक रन कर रहे हैं आप एप्लीकेशन को, तो वो एप्लीकेशन सीपीयू का कितना टाइम ले रही है क्योंकि बाकी चीज़ें भी सीपीयू को रन करनी है, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम को कितने दिन में बनाया वो मैटर नहीं करता। स्टैटिक बाइंडिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लेकर बना रहे हो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पर मेन मैटर है फास्टर एग्जीक्यूशन का, कि एग्जीक्यूट कितना टाइम में होता है, ठीक है, तो जो कि डायनेमिक बाइंडिंग में स्लो हो जाता है, राइट। इट्स नॉट फ्लेक्सिबल क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ें हैं, उसमें आप बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं वो कब कनेक्ट हो रहे हैं, रन टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फंक्शन जो है सी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, कि आपने डराइव किया, फाइनली उसको कॉल गया, ठीक है, बट यहाँ पर डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब है कि एक्चुअल में डेफिनेशन कहाँ जानी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ दूँ, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में करेंगे एक्चुअल कोडिंग पार्ट, कि फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन को डेफिनेशन दी, ठीक है, बट उसी नाम का फंक्शन आपने प्रोग्रामिंग में एक जगह और यूज़ किया, ठीक है, सेम फंक्शन नेम, ठीक है, कि एफ यू एन एक फंक्शन है जिसको एक और बार आपने डिफाइन कर दिया, जो कि अगर स्टैटिक बाइंडिंग में करते तो एरर आते कि एक सेम फंक्शन को आप दो तरह से कैसे कॉल कर सकते हो, कि ऑब्वियसली रन टाइम पे प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी डेफिनेशन उठानी है, राइट। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या है कि आप वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, मतलब कि कीवर्ड यूज करते हैं जिससे कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि सेम फंक्शन, दो फंक्शन हैं उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में कौन सी डेफिनेशन आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी फंक्शन को, कि ऑब्जेक्ट रन टाइम पर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज द मैसेज पासिंग। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेज। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे एक क्लास है एनिमा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बना दिया, एक डॉग बना दिया, एक कैट बना दिया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेजेस, ठीक है। और सी प्लस प्लस में ये मैसेज किस तरह के हो सकते हैं, ए मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसीजर एंड देयर फॉर इन्वोक ए फंक्शन इन रिसीविंग ऑब्जेक्ट दैट जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि एक एनिमल क्लास है, एनिमल की क्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग, एक को क्लास हम ले लेते हैं कैट, ठीक है, जो ऑलरेडी एनिमल की क्लास है वहां पर स्लीप और ईट था, जो कि डॉग भी यूज कर सकते हैं और कैट भी यूज करते हैं, बट एक पर्टिकुलर फंक्शन हमने डिफाइन किया था कलर, जो कि सिर्फ डॉग में था। अब ये चीज कैट भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं डॉग को कि वो जो आपके पास जो फंक्शन है कलर वाला वो मुझे भी एग्जीक्यूट करना है और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मुझे भी चाहिए, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जो है आपने मैसेज के थ्रू सेंड की और फाइनली आपने एक्सेस कर ली। दिस इज व्हाट वी कॉल कि आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रही है, राइट। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में अगर जस्ट हम थोड़ा सा सिंटेक्स देखें तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे कि डॉग डॉट मैसेज इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट डॉट मार्क एंड नेम, मीन्स स्टूडेंट क्या एक ऑब्जेक्ट है, मार्क्स मीन्स आपको मैसेज चाहिए, ठीक है, ये फंक्शन है, राइट। और फंक्शन में आप क्या इन्फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं, नेम, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम जो है आप मेंशन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मैसेज पासिंग। इन सभी के एग्जाम्पल हम डिटेल में करने वाले हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
ओके।